अभी राजकुंद्रा का केस हुआ, अरे लोग गाली देने लगे राजकुंद्रा को, पोर्न बना रहा है, पोर्न बना रहा है। हाँ तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं? इस देश की इतनी गंदी आदत है, उसको निग्लेक्ट कर दो। जहां डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी। मैं कहानी बार बार रिपीट करता हूं कि एक मस्जिद में मौलाना साहब थे, तो वो बच्चों को बड़ा नीत नियम और नैतिकता मोरालिटी वगैरह सिखाते थे, जैसा कि पुरोहित करते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे पुरोहित हो हिंदू, चाहे पादरी हो। तो एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया और देखा, और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली और फिर वो मौलाना के पास पहुंचे कि मौलाना साहब आप हम लोग को नैतिकता सिखाते हैं और खुद अंधेरे में चलते हैं। मौलाना गरम हो, मैंने क्या किया है? लड़कों के पास एविडेंस था, लड़कों ने दिखाया था। ये मौलाना ने कहा, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। तो हम भी तो नफरत के निगाह से ही देखते हैं सर, हमको काय प्रवचन दे रहे हो।